हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, यहाँ पर वेबसाइट का हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे वेबसाइट पर अभी डीडॉस अटैक हुआ है कि देख रहे हैं आप कि मैंने अपने होस्टिंग में लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही लॉगिन किया तो यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि परफॉर्मेंस आपका वेबसाइट का अचानक से बढ़ गया। अचानक से बढ़ने का रीज़न ये होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे आपका वेबसाइट है quantineproduct.com और रोज़ 100 150 200 आपका ऑर्डर आ रहा है, और अचानक एक दिन 250 500 1000 हो गया, तो मतलब ये आपका डीडॉस अटैक हुआ है वेबसाइट पर। वो आपका वेबसाइट का रिसोर्सेज खाता है और आपका होस्टिंग का ये लिमिटेशंस है, तो इसका कुछ लिमिटेशन है, रैम वैम ज़्यादा यूज़ करेगा तो आपका वेबसाइट तो बंद हो सकता है, स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार यूजर्स पर क्लिक करते हैं। यूजर्स पर देख रहे हैं कि एक दिन से हमारा रैम का यूजर्स पीक पॉइंट पर है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका रैम यूज़ कर रहा है। यहाँ पर अगर बोल रहा है कि रैम का लिमिट रीच होगा तो आपको आपके जो विजिटर हैं उनको 503 एरर शो करेगा। रात को 2 बजे से 3 बजे के बाद यहाँ चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा था हमारा। इसके अलावा मेमोरी को देखा जाए तो यहाँ पर भी बड़ा था। मेमोरी का देखा जाए तो मैंने लिया हुआ है मेमोरी 1500 MB लिया हुआ मैं अपने होस्टिंग प्लान का। यहाँ पर रेट दिखा रहा है, यहाँ पर सुबह को 8 बजे के आसपास यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ हो रहा था। बेसिकली इतना अगर पीछे का देखा जाए इतना सारा नहीं है, लेकिन अचानक से बढ़ गया एक एक दिन से, और अभी भी फिर अचानक से बढ़ रहा था। 1 बजे अभी 1:15 हो रहा है, अभी 1:15 हो रहा है, तो 1:20 के आसपास ये बढ़ रहा था। तो मैंने कुछ किया तो जिसके चलते ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है। अगर प्रोसेसिंग का देखें तो प्रोसेसिंग ये नॉर्मल था, फिर अचानक से बढ़ जा रहा था। ठीक है, तभी फिर बढ़ रहा था, अभी कम हुआ है। इसका सोल्यूशन दिखाएंगे कैसे ये हमारा कम हुआ है। यहाँ पर देखिए ये IO है, इनपुट आउटपुट। इसको देखें तो 1 बजे ये बहुत ज़्यादा पीक पर चढ़ गया, 23 फॉल्ट आ रहा था। ठीक है, तो ये भी मैंने कुछ जो सॉल्यूशन दिया वहाँ से, उसके बाद यहाँ पर स्लो आ गया। हर ये 15 15 मिनट पे एक ग्राफ आपका शो करता है 15 मिनट का। तेरी रिक्वेस्ट देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही मेरा वेबसाइट पर बढ़ गया था, 6 6 7, इतना रिक्वेस्ट आता नहीं है जनरली, लेकिन अचानक से इतना बढ़ने का मतलब है आपको वेबसाइट पर डीडॉस अटैक हुआ था। ये सारा टोटल डोमेन है, सबसे ज़्यादा हमारा ये जो quantineinfotech है यही रिसोर्सेज इतना अकेले यूज़ किया हुआ है। एक दिन में इतना रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा यूज कर लिए, इतना विजिटर आते नहीं हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। चलिए, अगर बार बार आपको सपोज कीजिए आप वेबसाइट पर ये जो 50 था 503 एरर आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो एक बार यहाँ से हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे तो आपका वेबसाइट टेम्प्रोरी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर के वीडियो हम ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं, तो आपको क्लाउड फ्लेयर में करना है लॉग इन। चलिए, तो क्लाउड फ्लेयर में हम लॉग इन कर लिए। लॉग इन करने के बाद यहाँ से एक अटैक मोड होता है, इसको अटैक मोड को मेरा जनरली ऑफ रहता है, आज इसको ऑन कर दिए। ऑन करने पर क्या होगा, विजिटर को एक जावा स्क्रिप्ट चैलेंज शो करेगा, जो विजिट करेंगे वेबसाइट स्क्रिप्ट फाइल शो करेगा, जो कि जो डीडोस अटैक होता है उसको प्रिवेंट करेगा। यह लिखा हुआ है अंडर द अटैक मोड यूजर्स व्हेन वेबसाइट इज अंडर डीडोस अटैक। डीडोस अटैक होता है जितना भी विजिटर वेबसाइट पर आएंगे पहला पेज पर, तो 5 सेकेंड के लिए एक पेज शो करेगा। तो देखते हैं, अभी quantineinfotech को विजिट करते हैं। चलिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक बार खुला हुआ था इसलिए नहीं आ रहा, इसको इग्निटो मोड प्राइवेट मोड में खोलते हैं। देखिए, चेकिंग योर ब्राउजर बिफोर एक्सेसिंग quantineinfotech, तो ये मैसेज आपको शो करेगा डीडोस अटैक जो कर को प्रिवेंट करेगा। तो इस तरह से अपना वेबसाइट को इसमें क्लाउड फ्लेयर में से आपको वेबसाइट को बचा सकते हैं आप। देखते हैं कि वेब क्लाउड फ्लेयर में वेबसाइट को ऐड कैसे करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जाकर क्लाउड फ्लेयर को होम में जाएंगे, अगर वेबसाइट आपको ऐड करना है तो ऐड से ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर उसका वेबसाइट का कोई भी जो है वेबसाइट उसको यहाँ पुट कर देना। इसका वीडियो हम एक पीछे बनाए हुए हैं, आप उस वीडियो जाकर देख सकते हैं। एक बार और अपने वेबसाइट को रिलोड करके देखते हैं, होस्टिंग प्लान को क्या यहाँ पर चेक कर लेते हैं, मेमोरी से घट रहा है कि बढ़ रहा है।
ओके तो देख रहे हैं मेमोरी यहाँ पर सीपीयू यूजेज कम हो गया है, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 1.27% इतना बड़ा हुआ था। और यहाँ देखे तो ये सीपीयू यूजेज था, ये मेमोरी जिसको इसी को रैम बोलते हैं, ये भी डिक्रीज हो रहा है अभी 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 देखिए लगभग 1 GB, ये तो 1 GB तो पूरा हो गया था, 10-24 MB हुआ था, 1 GB क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 15 मिनट कुछ देर में नीचे आ जाएगा ये पूरा। और यहाँ पर प्रोसेस प्रोसेस पूरा नीचे आ गया, देखिए देख रहे ना, यहाँ पर बहुत कम प्रोसेस यूज़ कर रहा है अभी, ये डीडोस को प्रिवेंट करने के लिए। थोड़ी देर पहले ये तो पूरा पीक पर चल गया था, अभी देखिए एकदम नॉर्मल है सारा कुछ। तो इस तरह से हम लोग क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करके अपना वेबसाइट को बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, प्लीज़ आप कमेंट में जाकर हमको बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।